गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि सीटेट नीचे जब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे हमने एक अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021, यहाँ से हमने सीटेट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक इसी के नीचे जब हम दूसरा देखते हैं ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी सीटेट दिसंबर 2021, तो ये ऑप्शन जो न्यूज़ आ रहा है ये क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हमारे किस लिए काम है, मतलब इसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसका मेनली यूज़ क्या है, जब आपके पास ही सीटेट की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 19/10/21 है, तो इसके बाद क्या क्या होगा, जो सीटेट है वो हमारे जो फॉर्म है हमने जो अप्लाई किए हैं उन सबको रिव्यू करेगा, उसके बाद वो देखेगा और उसका प्रॉपर रिव्यू होगा, तो जिस किसी कैंडिडेट ने अपनी जो इमेज है प्रोफाइल की या फिर सिग्नेचर की उन्होंने गलत अपलोड की है, गलत मीन्स मेरे से मतलब ये है कि अगर उन्होंने लाइक ब्लर फोटो अपलोड कर दी है या फिर बहुत पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दी है, तो उसको सीटेट क्या कर देगा, उसको ना वो फिर से अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपके पास कोई ना कोई एक मैसेज आ जाएगा या फिर आपके यही एप्लीकेशन पे अपडेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें अपडेट करने के लिए क्या करना है, हमें जो सेकंड ऑप्शन है हमें इसके पास हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको इसको क्लिक करते ही सेम वैसा ही खुल जाता है जैसे कि हमने जब अप्लाई किया था सेम वैसे ही खुलता है, बस इसमें हमें क्या है, हमें इस वाले ऑप्शन में हम फोटो को हम यानी कि जो भी हमें अपडेट करना है हम इस वाले ऑप्शन से अपडेट करते हैं। तो जैसे हम इसको अगर हम लॉगिन कर लेते हैं, OL7946, तो ये लॉगिन हो गया सेम वैसे, यानी कि जो हमने लॉगिन लॉगिन आईडी यानी जो हमने लॉगिन आईडी है और जो पासवर्ड बनाया है सेम उसी उसी पे सेम वही एसेस होगा, उसी पे हमारा ही जो 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 ये हम जो हमारा जो ये फॉर्म है खुल जाएगा। तो हमें कहना, जैसे अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ठीक है यहीं पे ही हमारे पास जब 19/10/21 के बाद जब हम सीटेट जब हमारे पास जो नया अपडेट आएगा यानी कि वो उनके पास आएगा जिन्होंने कुछ गलत अपलोड कर दिया फ़ोटो वगैरह या ब्लर है या पुरानी है, तो उनके यहाँ पे जस्ट ऑप्शन आ जाएगा कि हम इमेज अपडेट करने का। तो अभी तो हमारा मेरा बिल्कुल ओके है, लेकिन जैसे ही जब 19/10 के बाद सीटेट रिव्यू करेगा फॉर्म को हमारे, तो हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल जाएगा अपडेट करने का, ये उन्हीं के पास आएगा जिन्होंने फ़ोटो में कुछ लाइक ब्लर अपलोड कर दिया है या फिर पुरानी फ़ोटो अपलोड कर दी है, तो उन्हीं के पास ये टेक्स्ट मैसेज भी पहुंच जाएगा और यहाँ भी शो करेगा। तो हमें यहीं से अपने फ़ोटो को अपडेट करना है, सिग्नेचर को अपडेट कर देना है, तो हमारा ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।